लिए। तो देखिए 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, शंखनाद हो चुका है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 9 सीटों पर और साथ ही साथ मिल्कीपुर में फिलहाल उपचुनाव की जो डेट्स हैं वो नहीं आई हैं, उपचुनाव वहां पर टला है। इस पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वजह रही होगी, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये इलेक्शन कमीशन की तैयारी। और तमाम सहयोगी इस वक्त इस खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति मेरे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है, धीरेन्द्र प्रयागराज से जुड़े हुए हैं और लोकेश मेरे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। सभी से बात करेंगे। स्वाति, फिलहाल जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब राजनीतिक दलों के लिए तैयारियां करना स्वाभाविक सी बात है कि अब आज से ही सभी दल कमर कस लेंगे, तमाम सीटों पर चुनाव होना है। फिलहाल और क्या डिटेल्स अभी तक सामने आ पा रही है? देखिए, मिल्कीपुर को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि आखिरकार मिल्कीपुर सीट पर चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे, ये सवाल उठ रहा है। अभी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार जारी है, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसमें जो सामने जानकारी दी जा रही थी उसमें 9 सीटों की जानकारी उत्तर प्रदेश की है, उसमें मिल्कीपुर की जानकारी नहीं दी गई है और ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि उसकी वजह क्या है। क्योंकि 2 सीटों का जिक्र किया गया है चुनाव आयोग द्वारा, एक केदारनाथ सीट है और एक महाराष्ट्र की एक और सीट है, जहां पर 20 तारीख को वोटिंग कराई जाएगी। 13 तारीख को फेस्टिवल का जो है वो फेस्टिवल की वजह बताई गई है और भी कई कारण बताए गए, लेकिन मिल्कीपुर सीट की वजह क्या है ये अभी तक साफ ठीक है, स्वाति नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ अगर अब ठीक है, स्वाति लोकेश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार रुक कर लेते हैं लोकेश का और गाजियाबाद से लोकेश और साथ ही साथ धीरेन्द्र मेरे साथ प्रयागराज से जुड़े। लोकेश, आपके पास क्या जानकारी, क्योंकि जो डेट्स हैं वो आ चुकी हैं सामने, इन इन डेट्स पर इन इन सीटों पर चुनाव होना है। गाजियाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर आप किस तरीके के समीकरण को देख रहे हैं, किस तरह से दलों की तैयारियां वहां पर नजर आ रही है? देखिए साथी, कितना भी कह लीजिए लेकिन ये जो उपचुनाव होते हैं वो मौजूदा सरकार के और सरकारी मशीनरी के चुनाव होते हैं, ऐसा कहा भी जाता है। और दरअसल चुनने वाले भी ये जानते हैं कि अगर विधायक क्यों ना उस दल का चुना जाए जिसकी की सरकार इस वक्त प्रदेश में है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर दम भरा जा रहा है। वजह यह है कि बीजेपी यहाँ पर लगातार स्ट्रांग बनी रही है और पिछले 10 साल से ये सीट उनके पास थी। बाई इलेक्शन होने, जो यहाँ के विधायक थे वो सांसद का चुनाव लड़ गए इसलिए ये सीट खाली हो गई, उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दिया था। समीकरण की बात करें तो केवल अभी तक बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जिसने पहले अपना टिकट घोषित किया था, फिर बाद में कैंडिडेट बदल दिया और अपना टिकट अभी तक घोषित किया है, और बीजेपी अभी तक कोई भी अपना पत्ता नहीं खोले बैठी है। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है उसमें ये कांग्रेस के खाते में सीट गई है, जबकि 2022 में सीट से समाजवादी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ी थी। तो ये देखना होगा कि आखिर कौन किसको कंटेस्ट कराता है, लेकिन ये बात जरूर है कि आज जैसी अधिसूचना जारी हुई है, आदर्श आचार संहिता लगा दी गई है और शहर के भीतर से अब कुछ ही देर के बाद आपको सारे जो होर्डिंग्स और बैनर्स है वो हटते नजर आएंगे। जाने के बाद वहाँ के जो समीकरण है कितना बदल पाए हैं, बीजेपी वहाँ पर कितनी तैयारी में नजर आ रही है, और साथ ही साथ और क्या चीजें हैं दूसरे दल के लिए कितनी बड़ी चुनौती, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कम शब्दों में, उसके बाद धीरेन्द्र के पास मैं जाऊंगी। देखिए, अतुल गर्ग वैश्य समाज से आते थे, वो सांसद बन गए, इसके बाद इस सीट पर जो कि शहरी सीट है ये बेहद अहम होगी कि बीजेपी किसको टिकट देती है, क्या वैश्य पर इस बार दाव आजमाया जाएगा या किसी अन्य बिरादरी को दिया जाता है। क्योंकि अगर आप जातिगत आंकड़ों की बात करें तो शहर का पुराना हिस्सा खासकर लाइन पार का क्षेत्र है, वो क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर 1 लाख से ज्यादा दलित वोटर है, करीब 80,000 मुस्लिम वोटर है। तो तमाम जातिगत आंकड़ों समीकरणों को ध्यान में रख करके वोट दिया जाएगा, और ये भी माना जा रहा है कि 13 नवंबर को जो वोटिंग की डेट रखी गई है वो वीक डेज में रखी गई है, और ऐसे में आधे से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कि वर्किंग है नोएडा में और दिल्ली में जॉब करते हैं, तो क्या उस दिन कितना वोटिंग टर्न आउट हो पाएगा, इन सब समीकरणों को दिमाग में रख करके ही कैंडिडेट जो है वो कंटेस्ट कराए जाएंगे। बिल्कुल, और ठीक है, धीरेन्द्र भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि वहां पर फूलपुर सीट पर चुनाव होना है। धीरेन्द्र, फूलपुर के पूरे समीकरण क्या है, प्रवीण पटेल को लेकर क्या चीजें हैं, और साथ ही साथ ठीक है, और इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी भी फोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं। अजय राय जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। और देखिए, ये जो 10 सीटें हैं उन पर उपचुनावों का ऐलान हो चुका है, फिलहाल ये 9 सीटें क्योंकि मिल्कीपुर का उपचुनाव टाल दिया गया है। अजय राय, सबसे पहले इस पर आपका एक रिएक्शन मैं लेना चाहूंगी, इस पर आपका क्या कहना और क्या तैयारियां हैं? देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये जब 10 उपचुनाव एक साथ होने थे तो मिल्कीपुर क्यों टाला गया है, इसलिए कि ये चुनाव हार रहे हैं, चुनाव हारने की वजह से सारी चीजें ये अपने तरीके से मैनेज करके कर रहे हैं, और ये केवल मिल्कीपुर ही नहीं, ये पूरी 9 की 9 सीट हारेंगे,
पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन लड़ेगा और पूरी ये सीटें हम 10 की 10 जीतेंगे, मिल्कीपुर सहित जीतेंगे। और ये इस नाते परेशान है क्योंकि अयोध्या हारे हैं, अयोध्या लगता है कि मिल्कीपुर हारेंगे तो इनकी और शर्मिंदगी होगी, इस नाते ये इन्होंने जानबूझ के इसको ऐसा करा है। जी अभी तक समाजवादी पार्टी ने अपने 6 कैंडिडेट्स उतारे, वहां पर गठबंधन का बहुत ज्यादा जो असर है वो देखने को नहीं मिला, बाकी 4 प्रत्याशी हैं, उनको लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं, उनकी क्या भूमिका होगी? अजय राय जी देखिए ऐसा है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर विचार कर रहा है और वो निर्णय बहुत जल्द आ जाएगा। हाँ। इतने मैं कहना चाहूंगा कि मिल के लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन मिल के लड़ेगा और इनकी 10 की 10 जीतेंगे, मिल्कीपुर सहित इनको हराएंगे, इसलिए परेशान है। हाँ। और ये जानबूझकर एक सीट को रोका है कि अयोध्या लोकसभा हारे और विधानसभा में भी बुरी तरीके से हारेंगे, ये निश्चित तौर से चीजों को केवल बिल्कुल ये जो इलेक्शन हुआ है अभी भी अजय राय जी चल रहा है, इसका ऐलान पीसी चल रही है, सबसे बड़ी बात ये मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे, उसको लेकर क्या आपका कहना है, क्यों टाल दिया गया फिलहाल? वही तो मैं कह रहा हूँ सॉरी जी की आज जो स्थितियाँ हैं कि भाई 10 ये 10 विधानसभा के चुनाव एक साथ होने थे बाई इलेक्शन, ये मिल्कीपुर को क्यों रोका जा रहा है, इसका मूल कारण है जो मैं समझ पा रहा हूँ कि अयोध्या का चुनाव हारे, भगवान राम के स्थान पर ये हारे हैं और मिल्कीपुर भी उसी लोकसभा का हिस्सा है अयोध्या का, और ये वहाँ पर भी विधानसभा हारेंगे और इसके लगाए तो 9 ये विधानसभा बाई इलेक्शन हारेगी भाजपा, ये मैं दावा करता हूँ। बिल्कुल, इसके अलावा कांग्रेस की और सीटों को लेकर क्या क्या तैयारी है, क्योंकि 6 सीटों पर ऑलरेडी समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। हमारे लगातार संविधान हमारे संकल्प सम्मेलन चल रहे हैं, उस पे हम काम कर रहे हैं, हमारे 7 सम्मेलन हो गए, अभी हम लोग कटहरी से निकले हैं और कल मिल्कीपुर में है और आगे 3 हमारे गाजियाबाद, ठीक है, अभी हमारी सामने आ रही है मिल्कीपुर सीट जिसका हम लोग जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि उस सीट पर याचिका डाली गई, इसी वजह से ये चुनाव का जो डेट है उसको लेकर निकल नहीं पाया, इसको लेकर क्या आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी है? मेरे पास जो जानकारी यही है कि ये पूरी तरीके से हार के डर से घबरा गए हैं और ये पूरी तरीके से मैनेज करके पूरा चुनाव कराना चाहते हैं और पूरी तरीके से ये डर से घबरा गई है सरकार और घबराहट की वजह से चीजों को मैनेज किया जा रहा है। यानी कि आपको लगता है कि कुछ बदलाव भी हो सकता था इस बार, इसी वजह से ये सारी चीजें घबराहट का असर है? बदलाव तो होगा ही होगा, 10 की 10 डंके की चोट पर इंडिया गठबंधन जीतेगा और इनको हराएंगे पूरी तरीके से। जी बहुत धन्यवाद अजय राय जी भारत समाचार के साथ बातचीत करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और अभी आपने सुना जो विपक्षी दल हैं वो इसको लेकर काफी एक्टिव है, लगातार सवाल उठ रहा है कि आखिरकार अयोध्या की बहुप्रतिष्ठित सीट मिल्कीपुर जहां पर उपचुनाव होना था, समाजवादी पार्टी ने पहले ही वहां पर अपने प्रत्याशी उतार दिए थे, उसके बाद वहां पर उपचुनाव क्यों नहीं करवाया जा रहा है? तमाम सहयोगी इस खबर पर मेरे साथ जुड़े हुए बातचीत करने के लिए, मेरे सहयोगी धीरेन्द्र भी जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र ये बताइए कि फूलपुर सीट वहां पर इस वक्त किस तरह के समीकरण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की, फिलहाल कितना बदलाव इस वक्त आप देख रहे हैं? देखिए अगर हम फूलपुर की बात करते हैं तो प्रवीण पटेल वहां से विधायक रहते हैं, उसके बाद वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, सांसद बन जाते हैं, उसके बाद ये फूलपुर की सीट खाली हो जाती है। लेकिन लोकसभा के चुनाव की अगर बात करते हैं तो प्रवीण पटेल जहां से विधायक रहते हैं, यानी फूलपुर से जिस विधानसभा से विधायक रहते हैं, 17,000 वोटों से उस विधानसभा से उनको हार मिट ली थी और यही था कि विपक्षी जो पार्टियां हैं उसी को आधार बनाते हुए तैयारियां कर रही थी। हालांकि सारी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की जो उम्मीदवार थे उनको मैदान में उतार दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, अभी चुनावी मैदान में किसी को उतारा नहीं है। लेकिन लगातार जिस तरीके से चाहे वो बसपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल जो छोटे दल है, वो भी प्रत्याशियों को उतार दिए हैं और लगातार वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आज तिथि का ऐलान हो गया है कि कब चुनाव होगा, इसको लेकर अब गहमागहमी जरूर है, जो राजनीतिक पार्टियां वो पहले से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि 13 नवंबर जो चुनाव की तिथि का ऐलान हो चुका है, अब उसको लेकर तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार रणनीति बना रहे हैं और चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। ठीक है, और दीपक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। दीपक, चूंकि सीसामऊ में भी चुनाव होना है, सीसामऊ
विधानसभा सीट है, मुस्लिम बाहुल्य सीट ये मानी जाती है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी की बहुत जबरदस्त तैयारियां, इरफान सोलंकी की पत्नी को यहां पर चुनाव में उतारा गया है, बीजेपी की तरफ से क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अभी लगातार कैबिनेट मंत्री वहां पर पहुंच रहे, सारे जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डेरा जमाए हुए इस वक्त कानपुर में, तो क्या तैयारियां उपचुनाव को लेकर, क्या माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है, दीपक बताइए। बिल्कुल बीजेपी जो है वो कोई कोर कसर जो है खोलना नहीं चाह रही है, अभी तक जो है तरफ से प्रत्याशी घोषणा नहीं हुई है, बीजेपी जो है सारे समीकरण जो है वो तैयार कर रही है और उसके बाद शायद विचार करें प्रत्याशी उतारने का। और हालांकि अगर बात किया जाए सीट में जो सपा और बसपा जो है उसने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए, समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी पत्नी सोलंकी का उनके पिताजी की जो विरासत उनको यहाँ पर मिली है दीपक, ये माना जाता है कि बहुत ज्यादा वर्चस्व इनका चलता है और इसको लेकर समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा पहले से ही तैयार नजर आ रही है। बिल्कुल बताऊँ आपको दीपक, जो कॉम्बिनेशन है मुस्लिम और ब्राह्मण वोटों का वो इस कानपुर की सीसामऊ सीट पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ब्राह्मण मतदाता लगभग 55,000 है, दलित 35,000 है, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं किस तरीके से है, लेकिन सर्वाधिक जो संख्या है वो मुस्लिम वोटों की है, तो लोगों में क्या माहौल है, क्योंकि इरफान सोलंकी को तो 7 साल की सजा हो गई है, उनकी पत्नी को उतारा गया है चुनाव में, दीपक उसको लेकर के जो मुस्लिम वोटर्स है वो इसके तरफा वोटिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है वो महसूस जो है वो इरफान सोलंकी को दे सकते हैं, इसके चलते जो है या चुनाव जो है तरफा हो सकता है। उसके अलावा अगर समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है अगर वाजिब जो है सचिन सोलंकी को वोट करता है तो कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी की साझेदारी ठीक है। अंबेडकर नगर से मेरे साथ मेरे सहयोगी वेद प्रकाश पाठक भी जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे वेद प्रकाश से। वेद प्रकाश, चुनावी प्रगुल वक्त बज चुका है, 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, अगर अंबेडकर नगर की बात करें वहां पर क्या परिस्थितियां देख रहे हैं, दलों की क्या स्थिति है और क्या कॉम्बिनेशन है वहां पर इस वक्त वोटर्स को लेकर तमाम दलों का? बिल्कुल देखिए स्वाति, अगर उपचुनाव की बात करें तो चुनाव आयोग ने जो है आज उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जिन सीटों पर होना है उन सीटों पर तारीखों का ऐलान कर दिया। 13 नवंबर को बकायदा उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा और बकायदे जो 23 नवंबर को जो है मतगणना होगी। कुल मिलाकर जो अम्बेडकर नगर कटेरी विधानसभा सीट है इस पर उपचुनाव होना, क्योंकि इस सीट पर जो है समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा जो है विधायक थे लेकिन अब वो सांसद हो गए। हालांकि अब जो है समाजवादी पार्टी ने अपना पत्ता खोल दिया है, लालजी वर्मा की पत्नी को जो है वो यहाँ से टिकट की घोषणा करती है प्रत्याशी। लेकिन अभी जो अन्य दल है बीजेपी को उसने अभी पत्ता नहीं खोला, हालांकि बसपा ने भी जो है अपने प्रत्याशी को उतार दिया। कुल मिलाकर जो अम्बेडकर नगर की कटेरी विधानसभा सीट है इसका चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। किस तरह की चुनौती मान रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का दबदबा यहाँ पर कायम रहता है, सिर्फ एक बार ही यहाँ पर जीती है बीजेपी, तो समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां देख रहे हैं, कुछ बदलाव आपको देखने को मिला क्योंकि एक बार जीती है बीजेपी, कितना आप देख रहे हैं इसको बदला हुआ? बिल्कुल स्वाति, 1991 का वो दौर था जब बीजेपी जो है अम्बेडकर नगर कटेरी विधानसभा सीट पर चुनाव जीती, तो उसके बाद से बीजेपी कभी इस सीट पर जो है फतह नहीं हासिल कर पाई। ज्यादातर कटेरी विधानसभा सीट पर बसपा का कब्जा रहा, लेकिन पिछली बार जो 2022 का चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा ने इस सीट पर जो है विधायक चुने गए। हालांकि लेकिन इस बार जो है बीजेपी इस सीट को बेहद चुनौतीपूर्ण मान रही है, क्योंकि अम्बेडकर नगर कटेरी विधानसभा सीट जो है इसकी जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लिए है और यही वजह है कि अम्बेडकर नगर सीट जो है बेहद हार्ड मानी जा रही है। हालांकि अभी प्रत्याशी घोषणा नहीं हो पाई है, लेकिन प्रत्याशी घोषणा होने के बावजूद बीजेपी जो है इस सीट पर पूरा दमखम लगा रही है और माना जा रहा है कि इस कौन जो कौन है बीजेपी किसके किसके नामों पे सबसे ज्यादा चर्चा है, बहुत सारे ऐसे नाम है क्योंकि वहां पर दलित आबादी ज्यादा है, ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है, उसको लेकर बीजेपी की क्या चर्चा है, क्योंकि बसपा ने अमित वर्मा को यहां से वोट जो दिया है टिकट उसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। जी
बिल्कुल स्वाति, अगर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो कटेरी विधानसभा सीट में दलित आबादी ज्यादा है, जो ब्राह्मणों की भी संख्या ज्यादा है। हालांकि वेद प्रकाश, मैं आपको रोकना चाहूंगी, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी भी इस वक्त भारत समाचार पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। संजय निषाद जी, बहुत स्वागत है। 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका उत्तर प्रदेश में, लेकिन सर सवाल यह है कि मिल्कीपुर सीट, जो जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, दल तैयारी कर रहे थे, वहां पर फिलहाल अभी तक कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो मैं चुनाव के घोषणा का स्वागत करता हूं, और एनडीए के साथ निषाद पार्टी थी और है, और आगे भी हम लोग आगे मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। ठीक है, हम लोग मिलकर के जीतेंगे, तैयारी पूरी है, और मैं मतदाताओं का आभार भी प्रकट करूंगा। आज बढ़ कर हिस्सा ले, और लोकतंत्र का चुनाव है, उनके देश के भविष्य के, देश के विकास का, जनता के विकास का, जनता के सुरक्षा का, इसलिए इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उप चुनाव को लोग सुस्त रहते हैं कि नहीं इसे सरकार नहीं बननी है, लेकिन निश्चित रूप से क्षेत्र का जनप्रतिनिधि इतना अच्छा हो, सरकार ने काम किया है, काम को देखें और वोट दें। निषाद जी, आप लोगों की पार्टी की क्या भूमिका होगी, क्योंकि चर्चा लगातार चल रही है लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, आप लोग किस तरीके से भूमिका में रहेंगे इस चुनाव? बातचीत सब तय हो चुकी है, आप देखिएगा, आगे देखते रहिए और अच्छे होंगे। हम लोग सभी सीटों पर चुनाव एनडीए की जीत कर दर्ज कराएंगे, निषाद पार्टी भी लड़ेगी, हमारे जो सहयोगी दल जहाँ जहाँ जो है वो लड़ेंगे, और वो जल्दी आपको मिलेगा। मझुआ सीट जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, मझुआ सीट को लेकर सर कुछ कहना चाहेंगे क्या आप? नहीं, मझुआ हो चाहे कटहरी हो चाहे हमारे सभी सीटें जो बाकी हैं, सब पर निषाद पार्टी के भी प्रभारी हैं, हमारे सहयोगी दलों के भी हैं, वो सब एक एक वोट पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और जीतेंगे। एनडीए का जो समूह प्रत्याशी होगा वो जीत दर्ज कराया जाएगा, और सबके पसंद का एनडीए प्रत्याशी हम लोग घोषित करेंगे। और हम लोग आपकी और बीजेपी की इसको लेकर बातचीत कुछ अभी तक क्या फाइनल पहुंची है क्या? सब है, अच्छा है, और अच्छे परिणाम है, अच्छे संकेत है। कुछ बताना चाहेंगे भारत समाचार पर इसको लेकर क्या? निश्चित रूप से सब भारत समाचार को धन्यवाद दूंगा, कम से कम जनता की आवाज बनती है और जनता साथ में और जनता के लिए काम भी करती है, और जनता से अपील करूंगा पुनः, ये लोकतंत्र एक पर्व है, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और पहले से भी ज्यादा वोट डालें, जिससे कि आपने जिस जगह खाली किया है तो उस खाली जगह को फिर से उसी हिसाब से भरें जिस हिसाब से पहले आपने इलेक्शन किया था, जीत दर्ज किया, और जो अच्छा प्रत्याशी हो, प्रदेश का सरकार का काम देखकर और प्रत्याशी के चरित्र को देखते हुए आपको ध्यान दें। जी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए भारत समाचार के साथ बातचीत करने के लिए संजय निषाद। तो ये थे कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद जी जो जुड़े हुए थे। मझुआ सीट पर बातचीत चल रही थी क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो फाइनल चीजें हैं वो निकल कर नहीं आई हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंबेडकर नगर से वेद प्रकाश गुप्ता पाठक लगातार जुड़े हुए हैं, बातचीत एक बार उनसे कर लेते हैं इस पर। देखिये 10 सीटें जिनमें 9 सीटों पर वेद प्रकाश ऐलान हो चुका है, आप बात कर रहे थे, बता रहे थे कि कटेहरी कितना महत्वपूर्ण है, मतदाता जिस तरीके से दलित जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में रहते हैं, इसको किस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए स्वाति, अगर बात करें दलित मतदाताओं की तो कटेरी विधानसभा क्षेत्र में जो है दलित मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है, ये वही मतदाता जो है हमेशा जो है निर्णायक होते हैं, क्योंकि पिछली बार जब लालजी वर्मा यहाँ से चुनाव लड़े थे, हालांकि बसपा से जो है चुनाव जो है पूर्व विधायक पवन पांडे के बेटे प्रतीक पांडे चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। वजह थी क्योंकि ब्राह्मण जो है वो दो भागों में बट गया था, कुछ ब्राह्मण जो है बीजेपी के साथ चले गए और कुछ ब्राह्मण जो है बसपा के साथ चले गए, जिसका फायदा सीधा जो है लालजी वर्मा को, लालजी वर्मा इस सीट पे चुनाव जीते। लेकिन इस बार जो है ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी से जो है लालजी वर्मा की पत्नी सुभावती वर्मा चुनाव लड़ रही है, और बसपा से जो है अमित वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर जो है वोटों का जो है बंटवारा है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बसपा के वोटों में, लेकिन ब्राह्मण वोटर जो है एक स्थिति, हालांकि बीजेपी जब अपना कैंडिडेट जो है वो तय करेगी उसके बाद कहा जाएगा ब्राह्मण वोटर जो वो किधर जा रहे हैं, क्योंकि निर्णायक भूमिका में जो ब्राह्मण वोटर भी आने वाले हैं। ठीक है, और दीपचंद जोशी भी मेरे साथ मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए। दीपचंद जोशी, 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान है, मुरादाबाद की स्थिति को आप किस तरीके से देख रहे हैं, वोटर्स यहाँ पर किस भूमिका में नजर आते हैं, क्या है पूरा वहाँ का इक्वेशन, क्या समीकरण बताते हैं इस बार उपचुनाव के लिए वहाँ पर?
देखिए, अगर मुरादाबाद की बात की जाए तो कुंदरकी विधानसभा में चुनाव होना है यहाँ पर। अगर इसके पिछले इतिहास की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर काफी हावी रही है। भारतीय जनता पार्टी खाली एक बार विधानसभा चुनाव यहाँ से जीती है, 65% यहाँ पर दूसरे वोटर है। इसके अलावा जो बाकी 45% है वो हिंदू वोटर है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी थोड़ा यहाँ पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है चुनाव। बिल्कुल, और दलों की स्थिति आप किस तरीके से देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी को किस तरीके से देख रहे हैं? बीजेपी को आपको यहाँ पर क्या भूमिका नजर आ रही है कुंदरकी से? लोकसभा के जो सांसद थे वो जियाउ रहमान पर कब संभल से सांसद है, वो कुंदरकी सीट से विधायक रहे। इससे पहले भी लगातार समाजवादी पार्टी के इस सीट से विधायक रहे, एक के बाद एक हाजी रिजवान जो कि 2-3 बार लगातार यहाँ से विधायक रहे। भारतीय जनता पार्टी के रामजीत सिंह ने यहाँ से कई बार चुनाव लड़ा लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि एक बार फिर से रामजीत सिंह पर दाव लगाने की चर्चाएं हैं। वहीं समाजवादी पार्टी हाजी रिजवान कुरैशी को लेकर उनकी बात हुई। बिल्कुल, तो देखिए मुरादाबाद जहां पर कुंदर की सीट है और यहां पर विधायक थे जियाउर रहमान बर्क, लेकिन अब वो संभल से सांसद बन चुके हैं। तो यहां पर भी जो बड़ी जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है, और ऐसे में जो दल हैं वो जबरदस्त तैयारी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिलहाल ये देखिए जो 9 सीटें हैं वहां पर अनाउंसमेंट हो चुका है इलेक्शन का, और तमाम जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आ रही है। 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है जिसमें तमाम सीटें सामने आ रही है। और मेरे साथ सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं मुरादाबाद से। लगातार ये बताइए कि वहाँ का जो जातिगत समीकरण है वो क्या बताता है, वहाँ पर दलों की तैयारी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जातिगत समीकरण की अगर यहाँ बखुंदर की सीट पे बात करें तो हर बिरादरी के लोग यहाँ पर मौजूद है। ठाकुर भी है, वैश्य भी है, इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के लोग भी है, लेकिन मुस्लिमों की जो संख्या वो ज्यादा है जिस वजह से समाजवादी पार्टी यहाँ पर थोड़ा हावी पड़ती नजर आती है भारतीय जनता पार्टी पे। एक चीज और मैं यहाँ पे बताऊँ, मुरादाबाद के तमाम लोग यहाँ पर एक साथ मौजूद है, जिससे बारे में बात करेंगे। विधानसभा की वोटिंग क्या समीकरण आप लोगों को लगता है? तो इस तरफ ये आप भी जानते हैं, तो समाजवादी पार्टी 4 बार विधायक रह चुके हैं रिजवान साहब जो है, और जिया के जो है सांसद इतने बनने के बाद में ये सीट खाली हुई जो है, इस बार भी जो है सपा जीती। लोग भाई ये तो एक जंगल है, वो जोरत भाई के लिए बस सिर्फ नाम के लिए उतरते हैं मैदान। यहाँ पर दीपचंद्र जोशी, मुस्लिम और जो ओबीसी वोटर्स हैं वो सारे निर्णायक साबित होते हैं, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया कि मुस्लिम वोटों में सबसे ज्यादा जो एकजुटता है वो देखने को मिलती है, और वो ये पूरी तरह से निश्चित कर देते हैं कि कौन सा दल जीतने जा रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन जीतने जा रहा है। जी देखिए, निश्चित तौर पर जो मुस्लिम वोट है वो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर है, और वही वोट ये डिसाइड करेगा कि आखिर को पूरा प्रदेश का दर्जा मिले, ये अगला कदम है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने मतदान किया है, भविष्य में पूरे दर्जे का भी जो स्टेट का सवाल है वो उनके हिस्से में आएगा। मैं साथ ही साथ आदरणीय फारूक अब्दुल्ला साहब को उनकी पार्टी की सबसे बड़ी जीत के लिए बधाई देता हूँ। उमर जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे उम्मीद है कि कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के जो भरोसे के साथ उन्हें जिम्मेदारी मिल रही है वो जिम्मेदारी निभाएंगे और प्रदेश को और तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे लेके जाएंगे। कश्मीरी आवाम के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि पूरा देश उनकी तरफ देख रहा था, और समाजवादी लोग उनकी भावना को समझते हैं। देश खुशहाल तभी होगा जब जम्मू कश्मीर साथ साथ चल करके खुशहाली के रास्ते पे जाएगा, और जो सीमा के हमारे जितने भी प्रदेश हैं उनको विशेष अवसर, विशेष सुविधाएं और विशेष तरह के उनके फैसले हों जिससे उनकी खुशहाली और तरक्की के साथ साथ वो आगे बढ़ें। थैंक यू। तो भी आप अखिलेश यादव को सुन रहे थे, जम्मू कश्मीर का वो जिक्र कर रहे थे। फिलहाल बात हो रही है दूसरी बड़ी खबर की, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, और वो 10 सीटें जहां जहां पर भी उपचुनाव का ऐलान हुआ है आपको बता रहे हैं।
कुंदरकी की फिलहाल बात हो रही थी, जहां पर संभल सीट से जियाउर रहमान बर्क ने सपा की टिकट पर जीत हासिल की। और जो यहां के समीकरण है वो बताते हैं कि यहां पर मुस्लिम वोटर्स सबसे ज्यादा हैं और साथ ही साथ ओबीसी वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। फिलहाल यहां पर चुनाव होना है और ऐसे में समाजवादी पार्टी का इससे पहले दबदबा कायम रहा। समाजवादी पार्टी ने 57,000 वोटों से यहां पर जीत हासिल की। फिलहाल 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश की उपचुनावों का ऐलान हो चुका और ऐसे में दल लगातार, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, दल जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और इन विभिन्न सीटों के लिए बड़ी चुनौती है किस तरीके से जो मतदाता है उनके सामने अपने अपने मुद्दों को लेकर जाए। समाजवादी पार्टी ने जहां पहले से ही 6 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है और संवाददाता पवन त्रिपाठी मिर्जापुर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, आपके पास क्या जानकारी, क्योंकि जो इलेक्शन है उपचुनाव के उसका ऐलान हो चुका है, वहां के समीकरण क्या बताते हैं, किस तरह से दलों की तैयारी, क्योंकि लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने ललितेश पति त्रिपाठी को उतारा था चुनावी मैदान में। समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों की क्या स्थिति है इस पर उपचुनावों को लेकर? देखिए, अगर दलों की बात करें तो सबसे पहले बीजेपी की अपनी तैयारी रही है, पहले से वो लगातार यहाँ मुख्यमंत्री, कई सीएम योगी ने कई कार्यक्रम किए हैं, डिप्टी सीएम केशव मौर्या जिसको इस सीट की पूरी तरीके से जिम्मेदारी दी गई है, वो 3-3 कार्यक्रम कर चुके हैं। उनके जो तमाम अन्य मंत्री हैं वो भी मझवा क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। आज भी अगर बात करें निजी कार्यक्रम या तो सामूहिक कार्यक्रम की, तो 2 मंत्री सुरेश खन्ना और जो है गिरिराज सिंह, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो मिर्जापुर में हैं। तो अगर तैयारियों की बात करें तो बूथ लेवल तक से यहाँ पे तैयारी चल रही है। कई मंत्री जो है वो यहाँ लगातार यहाँ रह रहे हैं। अनिल राजभर की अगर बात करें तो वो भी यहाँ पे टिके हुए हैं। कई विधायक जो बाकी जनपदों के हैं वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर करके अगर बीजेपी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें तो दोनों पार्टियों की तैयारी लगभग पूरी है। लगातार उनके जो बड़े बड़े लीडर हैं वो भी आ रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, बूथों का जायजा ले रहे हैं, जो कमेटियां भंग हैं उनको बना रहे हैं। और मेन बात यह है कि जो एक तरीके से ये जो चुनाव होने वाला है, ये सत्ता या संविधान को लेकर के, तो उसको लेकर के जो अपने अपने प्रचार प्रसार के तरीके हैं पार्टियों के, वो लगातार जारी है। बीजेपी की तरफ से अभी तक यहाँ पे कोई जो उम्मीदवार है उसको बीजेपी ने भी नहीं उतारा है। समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। लगभग 4 लाख बताया जाता है कि 4 लाख वोटर्स वोट देते हैं यहाँ पर, और जो जनरल वोटर्स है वो सबसे ज्यादा निर्णायक साबित होते हैं। आपने जैसा कि जिक्र किया, सबसे ज्यादा विन वोटों की संख्या है, ब्राह्मण मतदाता भी ठीक ठाक है और इसके साथ साथ ओबीसी की भी ठीक ठाक भूमिका रहती है। जी, तो पूरा इक्वेशन क्या बताता है? अगर बात करें तो तकरीबन अगर जातिगत अगर आंकड़ों की बात करें तो 85,000 से ज्यादा जो है यहाँ पे। पवन, लौटेंगे आपके पास अयोध्या से, मेरे साथ मेरे सहयोगी रुपेश श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, जहाँ पर मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर उपचुनाव हुआ था, लेकिन अभी तक कारण कुछ स्पष्ट नहीं किए गए कि आखिरकार क्यों चुनाव वहाँ पर, अभी उसकी डेट नहीं बताई गई। मेरे साथ मेरे सहयोगी रुपेश जुड़ चुके हैं। रुपेश, आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी, क्योंकि याचिका डालने की भी बात सामने आई है, क्या चीजें निकल कर आ रही है कि वहां पर डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ इस पीसी में? स्वाति जी, तो चलता जी, आपको जिस तरह से बात किया जाए तो अयोध्या में लोकसभा चुनाव के बाद यहां मामला जो है अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया था, जो कि अगर बात की जाए तो योगी जी खुद इस चीज को देख रहे हैं चुनाव, और उसको देखने के बाद भी यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया था। और अगर बात किया जाए तो यहाँ के समाजवादी पार्टी के 85 को चुनाव मैदान में था। तो देखिए, अयोध्या से जो चीजें हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई, और पवन मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जहां पर चुनाव होना है और जो इक्वेशन है वहां पर वो तमाम दलों का है। बीजेपी के विनोद कुमार बिंद इस बार लोकसभा चुनाव में उतरे थे, फिलहाल क्या सिचुएशन है, परिस्थितियां का वहां पर किस तरीके से बीजेपी के लिए बनी हुई है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर क्या स्थितियां है? पवन, देखिए, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए यह है कि आज तक कभी मझवा विधानसभा से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो है वो कभी जीता नहीं है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने सबसे बड़ा जो खेल है ये किया है कि जो विनोद रमेश बिंद जो भदोही से बीजेपी के सांसद थे और इस बार लोकसभा मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए थे, वो चूंकि वो 3 बार से वहां विधायक रह चुके हैं, बसपा से विधायक रह चुके हैं। पवन, बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, 9 सीटों